आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा का दावा है कि 2023 विधानसभा चुनाव में आप राजस्थान में मजबूत विकल्प बनेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में आप राजस्थान के हर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी। विनय मिश्रा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एवन टीवी से खास बातचीत में विनय मिश्रा ने कहा कि अच्छे और साफ छवि के लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि वर्तमान विधायक भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। समय आने पर कई बड़े नेता आप ज्वाइन करेंगे। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और आज राज्यपाल से मिलकर चुनाव प्रभारी हैं विनय मिश्रा, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। विनय जी हमारे साथ हैं, क्या इश्यूज को लेकर आज राज्यपाल से आप मिले हैं और क्या डिमांड की? देखिए, आज भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर एक पे है। आज ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि आज पूरे देश में, इससे शर्म की बात क्या होगी कि आज पूरे देश में अगर भ्रष्टाचार के नंबर वन पे अगर कोई है राज्य तो वो राजस्थान राज्य। और खुद महामहिम साहब ने अपने एक जो अभी IAS दिवस था, जो लोक सेवा दिवस था, उसमें उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही कि जो है ये फाइल जो ये अफसर लटकाते हैं इसको लटकाएं ना, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है। तो जब महामहिम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को कि जो जिस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूँ उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो जब अगर महामहिम साहब ये बात कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री खुद इस पे कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री साहब ये भी कह रहे हैं कि अपने ही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। और भ्रष्टाचार के नाम पे जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसकी नीति होनी चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसको हम बिल्कुल जो है जेल में भेजेंगे उनकी जगह, क्योंकि उनकी जगह समाज में नहीं, उनकी जगह जेल में है। क्योंकि ये लोगों का अपना मेहनत का पैसा, ये अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो हमारी आपकी मेहनत का पैसा, और हम किसी को राइट नहीं दे सकते कि खुले में इसको लूटे। तो उसी के खिलाफ आज हम लोग राज्यपाल साहब से मिले, उनको हमने ये ज्ञापन दिया है, उनसे ये मांग की है कि इसकी जो है जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाए। कुछ एविडेंस दिए हैं अपने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? एविडेंस आपके सामने है, मुख्यमंत्री, जब इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? कोर्ट में आप ही तो बोलते हैं कि हाँ जी मैंने किया। आज जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं अपने उसमें जो है मंत्रालय में भी नहीं कह सकता, तो इससे बड़ा आपको एविडेंस और क्या चाहिए? डेली आप देखो कोई ना कोई अफसर पकड़ा जा रहा है, किसी के पास 16 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, किसी के यहाँ 4 लाख रुपये मिल रहे हैं। अभी अलवर में आपने देखा होगा कलेक्टर साहब के यहाँ पैसा मिला, दलाल के यहाँ पैसा मिला। तो आपके सामने है, आज हमारी कहना ये है कि जो आप सहमति जो देना होता है आपको उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए डिपार्टमेंट को, उस पर आप डिले ना करें, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जल्दी से सहमति दें ताकि इनका जो बचाव हो रहा है वो बचाव ना हो और ये जेल की बजाय, और भ्रष्टाचारियों की जगह एक ही है, वो है जेल। हम ये मांग करते हैं, हमारी पार्टी हर जगह मांग करते हैं, हमने पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म किया तो राजस्थान में भी हम कहते हैं कि अगर सरकार चाह ले, अगर मुख्यमंत्री चाह ले तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 2023 में एक मजबूत विकल्प बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे जब तक संगठन खड़ा नहीं होगा? कब तक प्रदेशाध्यक्ष बन जाएगा, बाकी संगठन किस तरह से रहेगा? देखिए, संगठन प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे या क्या बनेंगे पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। संगठन कैसे चलाना है ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है, और बहुत जल्द हम 3 महीने में आपको यहाँ संगठन अच्छा बना के देने जा रहे हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प देने जा रहे हैं। आज हमारा संगठन लोकसभा से लेकर जिला, जिला से लेकर आपके विधानसभा तक पहुँचे, विधानसभा से लेकर हम ग्राम पंचायत तक भी संगठन बनाने जा रहे हैं। तो हम 3 महीने में बहुत जल्द संगठन बनाने जा रहे हैं, और जिनका काम होगा लोगों तक जुड़ना, लोगों तक आम आदमी पार्टी की बात पहुँचाना, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ वो लोगों तक पहुँचाना, तो उसके लिए हम संगठन बना रहे हैं। 3 महीने में हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे जो बदलाव की बयार आज राजस्थान में शुरू हो चुके हैं वो चरम सीमा में पहुंच जाएगी। आपने संभाग स्तरीय कार्यक्रम भी शुरू कर रखे हैं, मेंबरशिप अभियान भी शुरू कर रखा है, तो कितने मेंबर अभी तक आम आदमी पार्टी के राजस्थान में बन गए हैं टोटल, और कब तक ये संभाग स्तरीय प्रोग्राम के जरिए संगठन मजबूत? देखिए, अभी हमने अपना जो कार्यक्रम है 3 फेज में किया है। पहला फेज हमारा संभाग कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जो जोनल लीडर्स हैं जिन्होंने इतने साल पार्टी में काम किया, कोई विधानसभा स्तर पे थे, कोई लोकसभा स्तर पे थे, कोई जिला स्तर पे थे, किसी ने विधानसभा चुनाव यहाँ पे लड़ा 2018 में। तो अभी जो हमारा पहला फेज है, हम संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है, कौन एक्टिव है, कौन कितना, किसने कितना काम किया पार्टी के लिए। उसके बाद हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे, जब मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे तब आपको मैं एग्जैक्ट नंबर्स दे पाऊंगा। फिलहाल तो हम
अपने जो पुराने हमारे साथी हैं और जो नए जो लोग हैं जो काम कर रहे थे, दोनों का समन्वय बिठा के एक जो है ना 80 टीम बनाने की कवायद में है। मेंबरशिप हम बाद में शुरू करेंगे, उसका जानकारी उस समय आपको दे देंगे जब मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे। आपने कहा कि सिटिंग MLA भी हमारे संपर्क में है, सिटिंग MP भी हैं, मंत्री भी हैं, बहुत सारे लोग आप संपर्क में बताएं, लेकिन बड़े चेहरे जिनके सहारे आप चुनाव में जा सके कोई है ऐसा? इसी में आएंगे जो बड़े चेहरे हैं, कोई MLA होगा, कोई MP होगा, कोई एक्स मिनिस्टर्स होगा, तो इसी में से बड़े चेहरे आएंगे। तो सिटिंग कहने का मतलब है कि बहुत सारे, अब आप खुद आप समझदार हैं मुझसे ज़्यादा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग मेरे से जैसे कई नेताओं से मिलते हो तो आप तो भाषा को समझते हैं, तो कोई नेता ऐसा थोड़ी हवा से, कोई थोड़ी है, कोई MLA ही होगा, कोई एक्स मिनिस्टर या मिनिस्टर होगा, तो ऐसे लोगों को लेके आएंगे और बहुत नए बड़े चेहरे हमारे संपर्क में, बहुत जल्द उनकी घोषणा करके आपके बीच में उनको लेके भी आएंगे। जो पलायन करके आएंगे वही चेहरा होगा या आम आदमी चेहरा होगा? देखिए हमारा चेहरा तो हम तो हमेशा कहते हैं आम आदमी पार्टी हमारा चेहरा है, और पंजाब और दिल्ली के रिजल्ट ने आपको दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी का चेहरा हमेशा आम वो युवक वो इंसान होता है जिसने समाज में काम किया, अच्छा काम किया, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो ईमानदार हो। तो आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी नए लोगों को मौका देगी और नए लोगों को साथ लेके चलेगी, इसलिए जो बड़ा चेहरा आप लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी के बीच से कोई बड़ा चेहरा निकलेगा और जो राजस्थान को एक मजबूत सरकार देगा। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति हो रही है, धर्म की हो रही है, मंदिर मस्जिद, आम आदमी पार्टी 2023 को लेकर किस तरह से किन इश्यूज के साथ जनता के बीच जाएगी? देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि हम शिक्षा के मुद्दों को लेकर जाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाने के मुद्दों को लेकर जाएंगे, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ना हो उसके मुद्दे को ले जाएंगे, कानून व्यवस्था का राज कायम हो उस पर हम लेके जाएंगे। ये मंदिर मस्जिद ये BJP का काम है। इस जब जब ये मुद्दे इनके ख़त्म हो जाते हैं, जब ये चुनाव हारना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है मंदिर को ले आते हैं। आप देखिए आज दिल्ली में MCD का चुनाव होना था, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भाजपा चुनाव के डर से भाग गई और वहाँ पे नया इन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया कि हम नया परिसीमन कराएंगे, हम इसको भंग करके, अगर इनको भंग करना ही था तो आज से 6 महीने पहले कराते। ये जिस दिन चुनाव का जिस दिन अनाउंस होना था 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 4 बजे इन्होंने जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रुकवा के नए परिसीमन की बात की। तो आज लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है, तो इनका चुनाव से भाग गए, चुनाव से डर गए। हम तो चैलेंज करते हैं कि आप चुनाव करा लो, आज पता चल जाएगा आपको, तो चुनाव से डर के करो। और ऐसे ही जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ये बुलडोजर की राजनीति करने लग जाते हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि इनके भाजपा के दफ्तर पे, जो दिल्ली का दफ्तर है उस पर आप बुलडोजर चला दो तो देश में दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। मेरा जी अंतिम सवाल, अभी तक कितनी सीटों पर आपने एक्सरसाइज किया? राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, ऐसी सीटें जहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सके? देखिए अभी हम चुनाव की बात समय आने पर करेंगे, अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ मैं 2 संभाग में गया हूँ। कल भरतपुर संभाग में गया जहाँ 19 विधानसभा आती है, आज हमने जयपुर संभाग में किया जहाँ 49 विधानसभा आती है। दोनों संभाग में बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारे पास आज हर विधानसभा से रिप्रेजेंटेशन था, तो जो अपने आप में दिखाती है कि आज आम आदमी पार्टी किस स्थिति में है। लोग जब खुद निकल के आ रहे हैं पार्टी जुड़ने के लिए, तो चुनाव के बाद चुनाव के समय करेंगे अभी, लेकिन संगठन में जहाँ तक कहूँ तो 2 दिन के दोनों संभाग की मीटिंग्स में, दोनों मंडल में ये खुशी की बात है कि हमारे पास आज हर विधानसभा में व्यक्ति है जो आज आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। शुक्रिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा, और इनका दावा है कि मिशन 2023 में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनेगी और राजस्थान में 3 महीने में आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन का ढांचा भी खड़ा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।